1970 में पेश की जाने वाली पाकिस्तान की सुपर डुपर फिल्म बल्कि प्लैटिनम जुबली करने वाली फिल्म हीर रांझा का क्रेज आज भी जिंदा है। हीर रांझा जब सिनेमाओं में लगी तो उसने एक तारीख लिख डाली थी, मगर जब ये बनाई जा रही थी तो उसने कई दिलचस्प वाक्यात को जन्म दिया था जिससे हमारे बहुत सारे नाजरीन नावाकिफ हैं। हीर रांझा उस दौर में महंगी तरीन फिल्म थी जिसके बारे कहा जाता था ये हैवी बजट के साथ बनाई गई है। हालांकि उस दौर में एक्टरों और गुलकारों समेत हदायतकार का मुआवजा भी चंद हजार में होता था। फिल्में 6-7 लाख तक भी बन जाया करती थी, लेकिन हीर रांझा जैसी क्लासिकल फिल्म बनाने के लिए एजाज दुरानी ने 30 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर डाले थे। हीर के लिबास पर ही उस दौर में इजाज ने 1 लाख रुपए खर्च कर डाले थे और हीर यानी फिरदौस की फरमाइश पर इंतहाई कीमती रेशमी लांचे पहनाने के लिए जापान से कपड़ा मंगवाया था। हालांकि फिरदौस ने इस फिल्म में सिर्फ 20,000 रुपए मुआवजा लिया था, मगर अपने मेकअप पर लाखों खर्च कर डालने पर मजबूर कर दिया था। इसकी वजह क्या थी कि इजाज उस दौर में महंगी तरीन फिल्म हीर रांझा बनाने के लिए 30 लाख खर्चने पर राजी हो गए थे। देखा जाए तो आज के दौर के मुताबिक ये 30,50,60 करोड़ से भी ज्यादा होंगे। इस फिल्म पर सबसे ज्यादा खर्चा किस चीज पर हुआ था ये जानकर आपको भी हैरत होगी कि फिल्म के एक्टर्स तो इतना मुआवजा नहीं ले पाए थे, मगर इस फिल्म पर फिर इतना खर्चा कैसे हो गया। दरअसल इस फिल्म की कामयाबी की वजह पंजाब के देहाती और लहलहाते माहौल की थी जो इस फिल्म में दिखाया गया था। एक तवील अरसा तक यही समझा जाता रहा है हीर रांझा की सारी शूटिंग ओरिजिनल मुकामात पर की गई है। इसके लिए सरगोधा और जंग के जंगल, दरिया और खेतों और वीरानों में जाकर फिल्म बनाई गई थी, जिसके लिए टीमों को वहां ले जाया गया था, क्योंकि फिल्म में जो माहौल दिखाया गया है वो इंतहाई ओरिजिनल है। जैसे कि हीर और कैदों की हवेलियां, घना जंगल और दरिया के नज़ारे फिल्म में देखने को आम मिलते हैं, तो फिल्म देखने वालों पर इसका तासुर बड़ा गहरा पड़ा था। हीर जिन खेतों में नाचते हुए गाती है और रांझे को भैंसे चराते हुए दिखाया गया है, ऐसे ओरिजिनल कुदरती माहौल में फिल्म की मौसीकी ने ड्रामे को हकीकत में बदल दिया था। दोस्तों हकीकत यह है इस फिल्म की सारी फिल्म बंदी किसी ओरिजिनल मकाम पर नहीं हुई थी। 1993 में मेरी इस फिल्म के राइटर और गीत निगार अहमद राही साहब से मुलाकात हुई थी। मैंने उनका तवील इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में उन्होंने कई ऐसे वाक्यात मुझे सुनाए थे जिन्होंने हीर रांझा की मेकिंग में जन्म लिया था। उन्होंने बताया था हीर रांझा की कामयाबी के लिए सबसे अहम बात यह थी कि इसमें माहौल को कुदरती दिखाना था। मैं तो चाहता था इसकी शूटिंग सरगोधा और जंग में की जाए, लेकिन एजाज दुरानी और मसूद परवेज ने कहा था हम इसके सेट लगाएंगे। अदाकारों के लिए मुझसे मशवरा लिया गया तो मैंने कहा मैंने हीर रांझा की ड्रामाई तश्कील एजाज और फरदौस को देखकर तैयार की है, इसके गाने नूर जहां से ही गवाना चाहता हूँ। इस पर तो इत्तेफाक हो गया और फिर फिल्म की कहानी और किरदारों की मुनासिबत से कैदों के लिए अजमल खान को लिया गया, नजमुल हसन, सलमा मुमताज, जमुर्द, अकील भट्ट, रंगीला और मुनव्वर जरीफ को भी इसमें कास्ट कर लिया गया। मौसीकी के लिए ख्वाजा खुर्शीद अनवर को सिलेक्ट किया गया था, क्योंकि हीर रांझा के गानों में जो मेलोडी थी वो ख्वाजा साहब से ज्यादा मीठी कोई नहीं दे सकता था। हदायतकार मसूद परवेज ने इजाद और फिरदौस की जोड़ी के साथ मिर्जा जट और दीगर फिल्में बनाई थी जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाई थी। मुझे यकीन था इजाज, फिरदौस और मसूद परवेज के फिल्मी ट्राइका का जादू चला तो हीर रांझा भी कामयाब होगी, इसलिए मैंने उनसे सेट लगाने पर ज्यादा बहस नहीं की थी, क्योंकि मैं जान गया था कि वो जो भी करेंगे बेहतर करेंगे। लाहौर के स्टूडियोज में ही रांझे का गांव तख्त हजारा और हीर का इलाका जंग सियाल बसाए गए थे और इस पर हैवी बजट खर्च किया गया था। जिन दोनों ये सेट लगाए जा रहे थे जो भी सुनता उसको देखने चला आता था। फिल्म की ज्यादातर अक्सबंदी एवरन्यू, शाहनूर और एएम स्टूडियोज और दरिया रावी के बंद रोड के अतराफ में की गई थी। फिल्म के लिए 4 सेट लगाए गए थे जिनमें हीर की हवेली और खेड़े के घर का सेट एएम स्टूडियो में लगाए गए थे। एक छोटा सा सेट एवेन्यू स्टूडियो में लगाया गया था। एएम स्टूडियो 1970 में ही बना था। अशफाक मलक ने बंद रोड पर बड़े मुनर्जम अंदाज में ये स्टूडियो बनाया था। अलबत्ता फिल्म में एक घने जंगल की जरूरत थी। फिल्म चूंकि बड़ी तेजी से बनाई जा रही थी इसलिए घना जंगल भी ओरिजिनल फिल्माने की बजाय स्टूडियो में ही प्लांट कर लिया गया था। फिल्म के इख्तिताम पर जहां रांझा इस लोक दास्तान में इश्क के दुश्मन कैदों को जान से मार देता है, इस मंजर के लिए शाहनूर स्टूडियो के फ्लोर नंबर 5 पर एक घने जंगल का सेट लगाया गया था। ये इस कदर खौफनाक सेट था कि यहां आर्टिस्ट और हुनरमंद अकेले जाते हुए घबराने लग गए थे। सेट को हकीकत का रूप देने के लिए बड़े बड़े तनावर दरख्त जमीन खोद कर लगाए गए थे। ट्रैक्टर ट्रालियों पर सैकड़ों दरख्त उखाड़ कर यहाँ लाए गए थे। उस जमाने में ये सेट लगाते हुए अच्छी खासी रकम खर्च कर दी गई थी। फिल्म की कहानी के मुताबिक कैदो अपनी भतीजी हीर को ऐन उस वक्त जहर पिला देता है जब वो रांझा के घर रुखसत होने वाली होती है। रांझा को यह बुरी खबर मिलती है तो वो उस जंगल में पहुंचता है जहां से कैदो फरार होने की कोशिश कर रहा होता है। रांझा कैदो की जान लेकर अपनी जान भी दे देता है। जंगल के इसी सेट पर ही ये सारे मनाजर फिल्माए गए। जब हीर और रांझा की रूहें इकट्ठी आलमी अरबाब में प्रवास कर जाती हैं तो ये सब इसी सेट के मनाजर से रिकॉर्ड होता है। हीर रांझा की कहानी और किरदारों का ताल्लुक चूंकि पंजाब से था इसलिए एक कास्टिंग फिल्म के लिए सेट लगाकर पंजाबी माहौल बनाना बहुत बड़ा चैलेंज था। फिल्म की अक्सबंदी
1969 में हुई थी और मसूद परवेज साहब ने गर्मियों से पहले कैमरा क्लोज करके पोस्ट प्रोडक्शन का काम शुरू कर दिया था। मसूद परवेज चूंकि गर्मियों में काम नहीं करते थे, इसलिए उनके हर फिल्म का शेड्यूल खुले मौसम से ही शुरू होता था। हीर राजे के फिल्मी सेट लगाने पर ही ज्यादा अखराजात हुए थे। किसी फिल्म की असल कामयाबी का ताल्लुक लोकेशन से होता है, इसलिए सीन के मुताबिक हर लोकेशन सेट लगाकर ही पैदा की गई थी और एजाज दरानी ने पैसा बेदरेक बहा दिया था। दोस्तों 1969 ये वो जमाना था जब पाकिस्तान में कलर फिल्म का आगाज हुआ ही था और उस वक्त एक औसत दर्जे की फिल्म ज्यादा से ज्यादा 10 लाख तक बन जाया करती थी, जबकि रंगीन फिल्म 20 से 22 लाख तक भी तैयार हो जाती थी। हीर राजे की प्रिंटिंग कराची लेबोरेटरी से हुई थी और ये फिल्म लगभग एक साल में मुकम्मल हुई थी। फरदौस बेगम ने फिल्म का मुआवजा 20,000 रुपए वसूल किया था, जबकि बाकी अहम किरदारों में से किसी का भी मुआवजा 10,000 से ज्यादा नहीं था। मलका तरन्नम नूरजहां उस जमाने में गीत गाने का मुआवजा 1,000 रुपए वसूल करती थी, जो बड़ी रकम तसव्वुर की जाती थी, जबकि दूसरे गुलकारों का एक गीत का मुआवजा 500 से कम होता था। ख्वाजा खुर्शीद अनवर का शुमार फिल्म इंडस्ट्री के महंगे मौसीकारों में होता था। वो इस जमाने में एक फिल्म का मुआवजा 20 से 25,000 वसूल करते थे। अब खुद अंदाजा कीजिए, अगर एक्टरों और हुनरमंदों के मुआवजे को मिला लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा ये फिल्म 10 से 12 लाख में बन जानी थी। मगर एजाज दरानी और मसूद परवेज ने ख्याल को हकीकत का रूप देने के लिए लाखों रुपया सिर्फ इसके सेटों पर लगा दिया और फिर इसका सिला भी उन्हें मिल गया कि हीर राजा आज भी जिंदा है।